हेलो एवरीवन, चलिए बेटा नए कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। आज हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से डेवलपमेंट ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। जनरली बच्चों को इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि कैसे एंथर डेवलप होता है, उसके अंदर स्पोर कैसे बनते हैं और फिर वो पॉलन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो आज उस पूरे टॉपिक को अपन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एंथर से, राइट। देखिए एंथर, अगर अपन एंथर को थोड़ा सा देख ले बेटा, ये एंथर का हमारे पास एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, राइट। जब आप एंथर को देखते हैं तो एंथर के अंदर सबसे आउटर लेयर को आप एपिडर्मिस बोल रहे हैं, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर एंडोथीसियम है, उससे और अंदर आओगे तो आपको मिडिल लेयर मिलेगा और मिडिल लेयर के अंदर आपको मिलेगा, ये मिडिल लेयर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मिडिल लेयर के अंदर जो मिलेगा वो टैपिटम मिलेगा। देखिए सिक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे आउटर इज एपिडर्मिस, राइट, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड देन टैपिटम, मतलब सबसे अंदर जो होता है वो टैपिटम होता है। तो सीक्वेंस अगर मैं आउटर मतलब बाहर से मैं अगर लूं तो एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, राइट, एंड द लास्ट वन इज टैपिटम। ये फोर लेयर है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर वैस्कुलर टिश्यू आई मीन जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, राइट। सो कनेक्टिव, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर है जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलेंगे। जो आपके पॉलन ग्रेन हैं जिन पर अपन को या प्लांट को कंसर्न रहता है, ये पॉलन ग्रेन है। ये सब पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं किसके अंदर, इस पॉलन सेक के अंदर, इसको अपन बोलते हैं पॉलन सेक, राइट, इसी को पॉलन सेक बोलते हैं, इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया ये टर्म भी आप यूज कर सकते हो, और पॉलन सेक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, लाइक वो जो अपन ने लिखा ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, वो प्रोसेस आपको इस पॉलन सेक के अंदर कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। पर ये सब डेवलप कैसे हुआ, एंथर कैसे फॉर्म हो रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट ने एंथर को बनाया कैसे, इस प्रोसेस को अपन जो है वो आज जो है समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब आप फ्लावर का डायग्राम बना रहे तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये हम गाइनोशियम ड्रॉ कर रहे हैं, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये जो सबसे बाहर होंगे जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, इनको आप सेपल्स बोलते हैं, ये जो कलरफुल होते हैं जनरली इनको आप पेटल्स बोलते हो, राइट, और ये जो आप है स्टैमेन कहा जाता है इसको, स्टैमेन पे जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो वो एंथर है। आज हम इसी का डेवलपमेंट जो है वो टॉपिक हमारा है एंथर। आप आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि ये जो फ्लावर का एंथर है ये किससे प्रोड्यूस होता है, राइट। देखिए ये जनरली पहले जो है ना एक ओवल शेप स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर में। ओवल शेप स्ट्रक्चर जब ये बन जाती है उसके बाद धीरे धीरे इसमें डिवीजन चलने लगता है और ये प्रॉपर शेप लेने लगता है एंथर का, और स्लाइटली वो और आगे जाएगा तो जो मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम दिखाया ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यही स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लावर में सबसे ऊपर है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बना और धीरे धीरे उसने अपनी शेप को अचीव किया, वो कैसे किया चलिए उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये जो मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में ओवल शेप एक मास होता है उसको अपन ये ले रहे हैं, तो ये जो सबसे आउटर आपको दिख रहा है ये एपिडर्मिस है। इसका मतलब एपिडर्मिस जो है वो सबसे पहले फॉर्म होता है या पहले से बना हुआ होता है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ना इनिशियल स्टेज में ही इनके पास एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स है ये मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक मतलब जिनके अंदर डिवीजन नेचर है, डिवीजन कैपेसिटी है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, तो मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट, ये डिवीजन कर सकती है और बाहर एपिडर्मिस है। क्या हो रहा है बेटा, जितनी भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैंने दिखाया इनमें सेंटर सेल्स जो है वो डिवीजन स्टार्ट करती है। सेंट्रल सेल्स ने डिवीजन स्टार्ट किया तो एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को आप बोल रहे हैं कनेक्टिव स्ट्रक्चर। वही कनेक्टिव जो मैं अभी डायग्राम में आपको वैस्कुलर बता रहा था ना, वो एक स्ट्रक्चर है ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर बन गया, ये वैस्कुलर, इसको कनेक्टिव स्ट्रक्चर, वैस्कुलर स्ट्रक्चर। इसी के साथ क्या होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बिलो टू एपिडर्मिस कॉर्नर में जो सेल्स हैं उनकी, वो सेल्स थोड़ा सा लार्ज हो जाती है, उनका न्यूक्लियस थोड़ा डेंस हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और उन सेल्स को अपन एक न्यू सेल्स फॉर्म में पाते हैं जिनको अपन आर्किस्पोरियल सेल्स बोलते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है कि आप इनको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स, तो ये आर्किस्पोरियल सेल्स बनती है। आर्किस्पोरियल सेल्स कहां बन रही है तो आपको याद रखना बेटा, एट कॉर्नर, एट कॉर्नर जस्ट बिलो टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जो है उसके जस्ट नीचे की लेयर में कुछ सेल्स जो है वो
मॉडिफाइड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है आर्किस्पोरियल सेल्स में, राइट मतलब हाइपोडर्मिस जो रीजन होता है, हाइपोडर्मिस मतलब इसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन है वहां पर ये सब हो रहा है, और बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल्स है। आप मान के चलो बेटा कि एंथर जो प्रोड्यूस होने वाला है ना, जो डेवलप होने वाला है, वो इन्हीं सेल से डेवलप होता है। इसीलिए ओरिजिन ऑफ एंथर, जब भी आपको पूछा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ एंथर क्या है, तो ओरिजिन ऑफ एंथर को आप यू स्पोरिंजिएट मानते हैं, यू स्पोरिंजिएट ओरिजिन मानते हैं, क्योंकि यहां पर मल्टीपल आर्किस्पोरियल सेल्स है। जब बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट ऑफ एंथर में, इस ओरिजिन को आप यू स्पोरिंजिएट ओरिजिन मानते हैं, राइट। यू स्पोरिंजिएट ओरिजिन का मतलब है एंथर डेवलप्ड बाय मल्टीपल आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स कहां मिलती है, तो एट द कॉर्नर ऑफ एंथर जस्ट बिलो टू एपिडर्मिस, जो कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मॉडिफिकेशन होने से ही ये कन्वर्ट हुई, ये जो कॉर्नर पे मैंने दिखाया हुआ है, और बीच वाला तो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कनेक्टिव टिश्यूज में, राइट। देखिए आर्किस्पोरियल सेल क्या, आर्किस्पोरियल सेल सबसे पहले डिवाइड होगा माइटोसिस से, ये माइटोसिस से डिवीजन कर रहा है, राइट। माइटोसिस से जैसे ये डिवाइड हुआ, यहां पर टू टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि 2n ही होगा, डेफिनेटली आर्किस्पोरियल सेल 2n है, डिप्लॉयड है, तो यहां पर बना है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, क्योंकि माइटोसिस हुआ है, सो ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज तो होता नहीं है। और क्या बनेगा, और बनेगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। तो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स है, ये भी डिप्लॉयड होता है, राइट। तो दो टाइप की सेल्स आपके सामने, राइट। ये डिवीजन बेसिकली पेरिक्लिनी होता है, पेरिक्लिनी का मतलब होता है कि डिवीजन जो प्लेन है उसके पैरेलल डिवीजन चलता है, उन सब पर अपन बाद में बात करेंगे। ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स फर्दर डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से, और माइटोसिस से रेगुलर डिवीजन के बाद आप देख रहे हैं कि 3-4 लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, या 3-4 लेयर फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो गया, राइट। ये 3-4 लेयर बाद में कन्वर्ट हो जाती है एंथर की लेयर्स में। अभी एंथर की लेयर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि एंथर में 4 लेयर्स होती है, जो मैं डायग्राम में आप लोगों को समझा चुका था। ये देखिए, मैंने कहा था कि बाहर एपिडर्मिस होती है जो कि ऑलरेडी स्टार्टिंग से बनी होती है। इसके अलावा आपके पास कौन सी लेयर है, एंडोथीशियम है, टैपिटम है, मिडिल लेयर है। ये तीनों लेयर्स कैसे बनी, क्योंकि एपिडर्मिस ऑलरेडी बनी हुई है, बाकी लेयर्स पर हमें दिमाग लगाना है। तो बाकी लेयर्स कैसे फॉर्म हो रहा है ये देखो, ये जो 3-4 लेयर डेवलप हुआ है ना, इसमें सबसे आउटर लेयर जो आप देख रहे हो, इट कन्वर्ट इन एंडोथीशियम, राइट। देन 2-3 लेयर जो इसके जस्ट नीचे होगा, उनको अपन कन्वर्ट करते हैं मिडिल लेयर में, मतलब वो मिडिल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और इनर मोस्ट जो है वो टैपिटम बनाता है। टैपिटम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर, जो कि बहुत मल्टीपल फंक्शंस करती है। वो क्या है, वो सब हम बाद में बात करेंगे जब स्ट्रक्चर का टॉपिक लेके आऊंगा। आज मैं सिर्फ डेवलपमेंट पे बात कर रहा हूं, तो इसके फंक्शन में मैं नहीं पढ़ना चाहता, राइट। टैपिटम के बारे में जरूर ये याद रखना, टैपिटम फाउंड अराउंड पॉलन सेक। जो पॉलन सेक आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ मिलती है, पॉलन सेक के अराउंड होती है। देखो आप डायग्राम में, देख रहे हैं, ये पॉलन सेक जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, उसके चारों तरफ जो लेयर है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, टैपिटम बोल रहे हैं। और ये जो अंदर सेल्स है वो स्पोरोजीनस सेल्स है। कौन से स्पोरोजीनस सेल्स, देखिए यहां आ जाइए, जो अंदर बना ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स है ना बेटा, ये माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजीनस सेल्स में। स्पोरोजीनस सेल्स, जिसके लिए आप टिश्यू वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिकॉज टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। सो ये स्पोरोजीनस सेल्स पोलन सेक के अंदर चला गया। देखिए ये पूरा डेवलपमेंट किससे चल रहा है, आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये टैपिटम है, ये अंदर पोलन सेक है, और ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है वो इसके अंदर होता है टैपिटम में, राइट। सो आप पूरा कनेक्ट कर पाएंगे इसको कि ये लेयर बन गया। देखिए ये वाला जो लेयर है एपिडर्मिस ऑलरेडी था, इन सेल्स ने लेयर्स और बना दिए। कैसे, मैं उसको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं तो आप लोग जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे उसको। देखिए ये वाला हमारा एंथर है, राइट, जिसमें ये सब डेवलपमेंट चल रहा है, एपिडर्मिस ऑलरेडी है। अब कॉर्नर वाली सेल्स ने कुछ लेयर्स और बना ली, जैसे इधर वाली कॉर्नर्स ने ये लेयर्स फॉर्म की और इधर वाले कॉर्नर्स ने ये लेयर फॉर्म की। अभी मैं यही तो बोल रहा था कि कॉर्नर्स के अंदर आर्किस्पोरियल सेल होती है, वो डिवीजन करके सेल्स बना रही है, और ये वाली सेल्स लेयर बना रही है। तो मैं इन्हीं सेल्स की बात कर रहा हूं, इन सेल्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये कॉर्नर पे धीरे धीरे लेयर्स बनना स्टार्ट हो गई, जो कि कंटिन्यूअस हो जाती है कुछ टाइम के बाद,
इस तरह से। ये कॉर्नर सेल्स में, कॉर्नर्स में दो टाइप की सेल्स बन गई थी, पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल्स। ये पेराइटल सेल डेवलपमेंट चला रही है, राइट। ये इस तरह से कंटिन्यूस हो जाएगा और आप देखोगे कि मल्टीपल लेयर्स फॉर्म हो गए। और यहां यहां एक पॉलन सेक अपन बना रहे हैं, कुछ स्पेस होगा जिसको अपन पॉलन सेक बोल रहे हैं। और इस पॉलन सेक के चारों तरफ जो लेयर प्रोड्यूस हो रहा है, जो लेयर फॉर्म हो रहा है, ये यहां भी एक लेयर बनाएगा इस लेयर को। ये जो लेयर सबसे पॉलन सेक के चारों तरफ मैं बना रहा हूं ना, इस लेयर को हम बोलते हैं टैपिटम, टैपिटम, राइट। तो ये वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और बीच में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट से बन गया था। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर जो ऑलरेडी थी, जिसको आपने एपिडर्मिस कहा था, उसके बाद जस्ट उसके अंदर जो लेयर होता है इज कॉल्ड एंडोथीशियम, इज कॉल्ड एंडोथीशियम। उसके अंदर जो लेयर है इज कॉल्ड मिडिल लेयर, इज कॉल्ड मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर नॉन इज टैपिटम। तो ये फोर लेयर प्रोड्यूस हो गया, ये सब फोर लेयर्स। इसमें तीन अभी डेवलप हुआ है, एक इनिशियल होता है, और ये जो डेवलप हुआ है वो पेराइटल सेल से डेवलप हुआ है, पेराइटल सेल से, राइट। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि देखिए ये रहा पेराइटल सेल, ये प्रोड्यूस कर रहा है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो ये लेयर्स वाला फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया बेटा। अब हमारे पास स्टोरी है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की, जिसमें माइटोसिस हुआ और स्पोरोजिनस सेल्स बनी। ये स्पोरोजिनस सेल्स ये एक्चुअल में कहां होती है, तो स्पोरोजिनस सेल्स इसके अंदर है, ये यहां पर स्पोरोजिनस सेल्स है। ये जो सेल्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना बेटा, इनको पहले स्पोरोजिनस सेल्स बोल रहा हूं। आप बोलेंगे सर आपने तो पोलन गेन बोला था, एग्जैक्टली यही सेल तो पोलन गेन बनाएगी, ये स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स डिफरेंशिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट किस में होगा, माइक्रो माइक्रोस्पोरो या माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 2N ही होती है, जिसको आप शॉर्ट में एम माइक्रो स्पोरो पोलन या पोलन मदर सेल पीएमसी बोल देते हो आप इसको। इसको क्या बोलते हो, पीएमसी, पोलन मदर सेल, इसको आप शॉर्ट में पोलन मदर सेल बोलते हो। ये सब जो स्पोरोजिनस टिश्यू था यही कन्वर्ट होगी। अब इसका सामने क्या रोल है उसको अपन देख लेते हैं। हमारे पास फाइनली क्या है, एक एंथर डेवलप हो चुका है, बिल्कुल चारों लेयर्स है, कनेक्टिव स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। अंदर स्पोरोजिनस सेल्स ने माइक्रोस्पोरो मदर सेल फॉर्म कर लिया है। ये माइक्रोस्पोरो मदर सेल क्या करने वाला है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे पास फाइनली माइक्रोस्पोर मदर सेल आ चुकी है, राइट, डेवलप हो चुकी है, जिसको आप डिप्लॉयड बोल रहे हैं। इसके अंदर एक मियोसिस होता है, इसके अंदर होता है मियोसिस, राइट। ये डिवीजन याद रखना, मियोसिस हुआ। जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस का रिजल्ट आप जानते हैं, फोर सेल्स फॉर्म हो गए, जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा कंपेयर टू पेरेंटल सेल, राइट। लेकिन ये जो फोर सेल्स बनी है ये सब आपस में कनेक्टेड होती है, अभी ये सब अलग नहीं हुआ है, ये सब कनेक्टेड है। कनेक्टेड है एक पॉलीसेकेराइड से, कार्बोहाइड्रेट से, जिसका नाम है कैलोज, राइट, कैलोज से कनेक्टेड है। और इस स्ट्रक्चर को आप टर्म देते हैं टेट्राड, ये टेट्राड है बिकॉज इज अ ग्रुप ऑफ फोर माइक्रोस्पोर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेट्राड। टेट्राड का अरेंजमेंट आप याद रखना, दो अरेंजमेंट बहुत फेमस है, एक तो आइसोबाइलेट्रल, आइसोबाइलेट्रल अरेंजमेंट होता है, और एक अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेट्रल अरेंजमेंट होते हैं इनके दो मेन है। अब अदरवाइज तो लीनियर अरेंजमेंट भी होता है, टी शेप अरेंजमेंट भी होता है, पर उन सब पे नहीं जाएंगे हम, इंपॉर्टेंट पोर्शन को लेंगे बस, राइट। आइसोबाइलेट्रल ये बहुत फेमस है किसके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर। ये मोनोकोट्स प्लांट्स में मिलता है और ये डाइकोट्स में फेमस है। तो डाइकोट्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड या अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन टेट्राड इज अ टेट्राहेड्रल, और मोनोकोट्स की बात करेंगे तो इसको हम आइसोबाइलेट्रल, राइट। तो ये टेट्राड हमारे पास है। फिर जब मैच्योरेशन का टाइम आता है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब और मैच्योरेशन चल रहा होगा तो क्या होगा बेटा, मैच्योरेशन में टैपिटम, टैपिटम इनर मोस्ट लेयर जिसने आपको कहा, आपने जिसको कहा था, ये रिलीज करती है कैलेज एंजाइम, राइट। कैलेज एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, कैलोस को। जब ये डाइजेस्ट होगा तो माइक्रोस्पोर्स सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो ये माइक्रोस्पोर आपके सामने हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं इनको। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में क्या डिफरेंस है मैं भी बता देता हूं। जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के टाइम इन सब में माइटोसिस होगा, इन सब में माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस चला और यहां पर टू सेलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, यहां पर
टू सेलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ये जो टू सेलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है क्योंकि माइटोसिस से टू सेल्स फॉर्म होगी, ये टू सेलर स्ट्रक्चर को आप पॉलन ग्रेन बोलते हैं, इमैच्योर पॉलन ग्रेन। इसको भी आप क्या बोल रहे हैं, इमैच्योर पॉलन ग्रेन, इमैच्योर पॉलन ग्रेन है। फिर और एक माइटोसिस होता है तब जाकर मैच्योर पॉलन ग्रेन बनता है, पर अभी हमारा काम हो चुका है यहां से लेकर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन तक। इस टर्म को अपन यूज करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है पॉलन ग्रेन तक, इसको माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, इसको माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, इसको माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड माइक्रोगेमिटोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर, राइट। कुछ बच्चे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को अलग नहीं समझते, वो समझते हैं कि दोनों एक ही, बट याद रखिएगा बेटा माइक्रोस्पोर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेट माइक्रोस्पोर नॉन इज पॉलन ग्रेन। मतलब जब आप माइक्रोस्पोर को जर्मिनेट करोगे तो आप उसे पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये जो पॉलन ग्रेन बना है ना, इसको आप इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हो, और ये जब थ्री सेलर हो जाएगा बाद में तब आप उसको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। पॉलन ग्रेन, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन नॉन एज इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंड थ्री सेलर पॉलन ग्रेन नॉन एज मैच्योर गैमेटोफाइट, राइट। सो मैंने आज आप लोगों के सामने तीन टॉपिक लिए थे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगेमिटोजेनेसिस आप लोगों के सामने है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने फाइनली पॉलन ग्रेन बना दिया है, उसी में ये दोनों प्रोसेस इंक्लूडेड है। और ये सब प्रोसेस कहां चला है, ये सब प्रोसेस पॉलन सैक के अंदर चला है, जिसके बाहर की तरफ फोर लेयर से टैपिटर्म, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस, ये सब की सब लेयर्स, उसमें एपिडर्मिस को छोड़ दो, बाकी लेयर्स पेराइटल सेल से डेवलप हुई है। पेराइटल सेल या स्पोरोजिनस सेल्स दोनों आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप हुई है, और आर्किस्पोरियल सेल कॉर्नर पे होती है एक एंथर के अंदर जो डेवलपिंग फेज में होता है, करेक्ट। सो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि डेवलपमेंट कैसे होता है इस एंथर का, और इसमें पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस कैसा होता है। चलिए इसके बाद हम फिर एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे बच ना पाए। थैंक यू।